नमस्कार, मैं हूं ज्योति। समृद्ध झारखंड से अपने चुनावी एक्सप्रेस में पहुंच गई हूं जमुआ विधानसभा, जहां मैं बात कर रही हूं आसू के प्रत्याशी सत्यनारायण दास जी से। आप आसू के प्रत्याशी हैं फिलहाल अभी जी, किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, जमुआ विधानसभा में ये अभी से पहले मैंने आज तक जो भाजपा के विधायक रहे, लेकिन जनहित में कोई ऐसी योजना नहीं है जो वो दिखा सकते हैं। यहाँ तक कि जमुआ अनुमंडल की मांग बहुत पुरानी मांग थी और लोगों ने महसूस किया कि जब यहाँ के क्षेत्रीय विधायक होंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार यदि बनेगी, तो निश्चित रूप से ये बहुत पुरानी मांग जमुआ अनुमंडल है, इसको मने देने का काम करेंगे और दिलाएंगे। लेकिन ये मांग तो दूर की बात है और बनाना और बनवाना दूर की बात है, ये विधानसभा में एक भी बात नहीं बोले, चर्चा तक नहीं किए कि जमुआ अनुमंडल के लिए सभी अर्हताएँ पूरी करती है, इसलिए जमुआ को अनुमंडल का दर्जा दिया जाए। ये बिल्कुल जो है सो जनहित में नहीं, अपने हित में काम किए हैं, अपने रिलेशन के हित में काम किए हैं, ये सर्वविदित है। आप पहले JVM में थे, फिर आसू में आए, तो आप वहाँ के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, आप के साथ क्या हुआ JVM में? JVM देखिए, जिस तरह से मैंने ईमानदारी से काम पिछले 5 वर्षों में की, JVM को धरातल पर उतारा, JVM को जीत की ओर ले गया और तमाम लोगों में ये चर्चा थी कि इस बार JVM की जीत होगी, तय है जितना हम लोगों ने मेहनत किया और कई बड़े बड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए। लेकिन मैं सारे लोग जानते हैं, तमाम पार्टी के लोग यहाँ होंगे, एक सत्यनारायण दास जो पिछले 15 साल से चुनाव लड़ते आ रहा है और इन्होंने ईमानदारी से चुनाव लड़ा, ईमानदारी से जनता के बीच में रहा, पाक साफ राजनीति किया, आज तक किया और लोगों की जुबान में था, तमाम पार्टियों की जुबान में था कि इस बार यदि सत्यनारायण दास कैंडिडेट होंगे तो निश्चित ये जो है जमुआ को जीत दिलाएंगे और JVM की झोली में जाएगी सीट। लेकिन कितना हमने महसूस किया कि ईमानदार होना शायद मेरे लिए गड़बड़ था, क्योंकि जो बेईमान जिनके दामन में दाग लग चुका था, जो भागा यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी किया, वैसे लोगों को माननीय बाबूलाल मरांडी जो थे उन्होंने चयन किया कि हमको वैसे लोग चाहिए, सत्यनारायण ऐसा आदमी, पाक साफ आदमी नहीं चाहिए। लेकिन जनता ने ठान ली है कि जिस दल से, जिस पार्टी से सत्यनारायण आएगा, हम लोग दिल से मदद करेंगे और लगता है कि पूरे इलाके में एक लहर दौड़ पड़ी है, तमाम लोगों के, तमाम जातियों में, सर्व जातियों में एक आवाज़ निकली है कि सत्यनारायण दास, सत्यनारायण दास, और निश्चित बहुत मैंने अंतर से हम जीत दिलाएंगे और आजसू के झोली में यह छीट जाएगी। आजसू का जमुआ में वैसा लहर कभी नहीं रहा है, वहाँ कैंडिडेट नहीं, वैसे कार्यकर्ता नहीं रहे हैं, वैसा नहीं रहा है, तो क्या आपके लिए मुश्किलें आने वाली है ऐसे में? बिल्कुल नहीं, सभी कार्यकर्ता कई दलों में था, सभी मेरे साथ है। ये आजसू में जनाधार कुछ था, कुछ कार्यकर्ता था सीमित क्षेत्रों में, लेकिन अभी जन जन में ये आवाज़ है आजसू आजसू आजसू, ये चर्चा देखने को मिल रही है तमाम जगह। आपके सुप्रीमो कब आएंगे आपके लिए प्रचार? ये प्रचार कार्य में आएंगे, मुझे विश्वास है, और जितने उसमें और केंद्रीय नेता हैं वो भी आएंगे, लेकिन अभी समय और तिथि तय नहीं हुआ है। आपका रोड मैप क्या है जमुआ विधानसभा के लिए? जमुआ विधानसभा में सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसको प्राथमिकता देंगे, क्योंकि यहाँ देवरी, जमुआ विधानसभा में 2 प्रखंड, देवरी और जमुआ, सदर ये अस्पताल हैं, यहाँ स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन उसमें अभी महिला डॉक्टर आज तक नसीब नहीं हुआ है, दोनों जगहों में प्रसव जब होती है दिक्कत होती है, यहाँ के लोगों को रातों रात लेके जाना पड़ता है दूसरी जगह, महिलाओं डॉक्टर एकदम अभी भी नदारत है, उसकी चर्चा तक नहीं किए यहाँ के विधायक, यही है। दूसरी बात, 24 घंटे की चर्चा होती थी लेकिन यहाँ 18 घंटे भी बिजली नदारत थी। शिक्षा के नाम पर तो बिल्कुल एकदम चरमरा गई शिक्षा व्यवस्था, सरकारी स्कूल में लोग अब ठीक से पढ़ाना, बच्चों को भेजना नहीं चाहता है, इतना है कुछ नहीं, बिल्कुल बेपरवाह, लापरवाह, शिक्षा के बारे में जरा भी चर्चा नहीं। हाँ, एक चीज़ किए हैं, इसमें प्रगति हुई है हमारे माननीय विधायक केदार हजरा जी के कार्यकाल में, कि एक ही योजना को 1 साल में 2-3 मरतबे किया गया है,
ये प्रगति हुआ है, उसमें कमी नहीं है। और उस योजना में यदि बड़ी बड़ी योजनाएं बनी तो उनके रिलेशन के लोग, साला हों, ससुराल वाले हों, बेटा हों, भतीजा हों, वे इन्वॉल्व रहा, बाकी जनता कुछ नहीं, कार्यकर्ता कुछ नहीं। इसलिए लोगों में रोष है और उसका लाभ मुझे मिल रहा है। JVM से बहुत सारे लोग छट गए हैं जब टिकट बंटवारा हुआ, तो अलग अलग खेमे में चले गए हैं, तो उसका खामियाजा किनको भुगतना होगा? JVM जो मुझे टिकट नहीं दिया गया, इसका खामियाजा बाबूलाल मरांडी को भुगतना पड़ रहा है, भुगतेंगे, और गिरिडीह जिला से साफ होने जा रहे हैं। ये सत्यनारायण दास का अभिशाप है, जो जनता में मैं ईमानदारी से काम किया था, राजनीति क्या है उसको मैंने दिखाया था कि ईमानदारी की राजनीति। तमाम जनता से पूछ लिए, एक एक दुकान और बाज़ार में, कोई पार्टी के लोग हों, कोई पार्टी के लोग हों, लेकिन इतना मैं दिया लोगों को कि आज तक कोई उंगली नहीं उठा सकता है। ऐसा कोई नेता नहीं है अभी जो कह देगा कि एक पैसा लिए हैं किन्हीं से घूस, तो मैं कहने वाला सत्यनारायण दास है, आज उसके उम्मीदवार है, जो किसी इलाके में चौक चौराहे में कह सकता हूँ दहाड़ के एक रुपया भी घूस 25 साल के राजनीति जीवन में नहीं लिया है, इसका लाभ मुझे मिलने जा रहा है। के नज़र से, महिलाओं की नज़र से, महिलाओं की सुरक्षा की नज़र से कितना पुख्ता इंतजाम है? बिल्कुल नदारद, जरा भी ध्यान नहीं। महिलाओं की समस्या, यात्रियों की समस्या, एक चौक है, बड़ा चौक है, जो तिलैया से भी गाड़ी आती है, धनबाद से भी गाड़ी आती है, गिरिडीह से गाड़ी आती है 60 किलोमीटर चलकर, और भागलपुर देवघर से भी गाड़ी आती है। जब गाड़ी रुकती है इस चौक पर तो पुरुष लोग तो अगल बगल दौड़ना शुरू कर देता है पेशाब करने के लिए, लेकिन महिला जो माँ बहन आती है उसके लिए तो दिक्कत ही दिक्कत है। इतना दिक्कत है कि आज तक जो है सो देखा नहीं गया कि इनके समस्या को, जबकि ज़रूरी था, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करना था, सभी लोग आशीर्वाद और दुआ करते, लेकिन ये बिल्कुल समझे नहीं। इसलिए दूसरी बात है, सरकार में तो हल्ला हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ एक भी ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, नहीं इसकी मैंने क्या कहते हैं शिलान्यास भी नहीं, क्योंकि इनकी एक आदत रही थी, फितरत रही थी कि कम से कम नहीं तो जल्दी जल्दी किसी योजना का जो है सो एक बोर्ड लगा दें और क्या कहते हैं शिलान्यास करा दें। ये भी नहीं करा पाए, कम से कम झूठो कराते, बहुत झूठा कराए हैं शिलान्यास, लेकिन इसको भी नहीं करा पाए, झूठा में भी नहीं। इसलिए बिल्कुल नकार रही है जनता नकार रही है, एक स्वर में नकार रही है चारों तरफ से।